Subscribe to our channel and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं ब्लड बैंक सेक्रेटरी जो यहाँ पर आए हुए हैं, उनके विचार जानने वाले हैं। तो करते हैं बातचीत शुरू। हेलो सर, क्या नाम है आपका? रविंद्र जैन। रविंद्र जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप कहाँ से हैं? श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर से आप यहाँ, आपकी टीम यहाँ डेरा सौदा में ब्लड लेने के लिए आई है। सर, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा यहाँ के? बहुत बेहतरीन। और हम पहले भी डेरे पर आए हैं ब्लड डोनेशन के लिए। यहाँ पर जो ब्लड डोनर्स हैं उनके अंदर जो सेवा भावना है उसका कोई मतलब सानी नहीं है। और इतना अच्छा माहौल, इतनी हर एक तरह से डोनर्स की भी जो केयर्स की केयर की जा रही है, उसके लिए डेरा सच्चा सौदा का हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि डेरे की वजह से हजारों लाखों जिंदगियां बच रही है, उसके लिए पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैंने जब से देखा कि डेरे के बाबा राम रहीम जी, गुरमित राम रहीम जी, उस समय जब मैं हम पहले एक बार आए तो वो स्वयं उस समय सभी सेवादारों को और डोनर्स को मोटिवेट कर रहे थे। आज उनकी एब्सेंस में जो माता जी हैं और उनके अनुयायी हैं, वो इनको सबको मोटिवेट कर रहे हैं। और यह निरंतर चलता रहे जिससे लोगों की ज़िंदगी बचे, इसके लिए मैं डेरे से विशेष आग्रह करूँगा। जो प्रकल्प रक्तदान का और अन्य जो प्रकल्प चल रहे हैं, उसके हिसाब से निश्चित ही जो उन्होंने एक राह दिखाया उसके ऊपर जो अनुयायी चल रहे हैं, उनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा आवश्यकता है समाज को, उनके आदर्शों की भी। जी, वैसे तो मैं प्रबंध समिति से हूँ, ब्लड बैंक में सेक्रेटरी हूँ। हमारे मेडिकल ऑफिसर अभी यहीं पर व्यस्त हैं, फिर भी मैं टेक्निकल जो बात है ये कि ब्लड डोनेशन से एक तो जो नया खून बॉडी में बनता है उससे कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रहता है, हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है, और 5 तरह की जो ब्लड बैंक में रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो हर एक डोनर की ब्लड बैंक की तरफ से निःशुल्क रहती है। उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। बहुत सी बार कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, हेपेटाइटिस बी और सी, जो साइलेंट रहते हैं बॉडी के अंदर का वायरस, तो वो लोगों को पता नहीं चल पाता। ब्लड डोनेशन से उनकी जब टेस्टिंग होती है तो उससे हम उनको इंटीमेट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इतना बड़ा महादान जो करते हैं, जो भी डोनर्स हैं, उनसे जिन लोगों की के परिवारों में ज़िंदगी बसती है, किसी का बहन, किसी का भाई बसता है, बेटा बसता है, पुत्र बसता है, तो उन लोगों की जो दुआएं हैं वो दुआएं डोनर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और उन दुआओं से ही जो है डोनर्स के परिवार वाले फलते फूलते हैं। मैं निश्चित तौर पर हर एक डोनर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि जब किसी माँ का बेटा बचता है, जब किसी बहन का भाई बचता है, तो कितनी खुशी उसे महसूस होती है और कितनी दुआएं उसके दिल से निकलती हैं उस डोनर के प्रति जिसने अपना रक्त उसे दिया है। तो आप भी सोचिए दोस्तों कि अब तक बाबा राम रहीम जी कितनी जिंदगियाँ बचा चुके हैं, क्योंकि जैसा डॉक्टर ने हमें बताया कि एक बार रक्तदान करने से 4 से 5 जिंदगियां हम बचा सकते हैं। तो अब आपकी क्या राय है, अब आपके क्या विचार हैं बाबा राम रहीम जी के प्रति और उनके अनुयायियों के प्रति, हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और देखते